चलो दोस्तों आज हमें क्या पढ़ना है? सर आज हमें पढ़ना है लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। बहुत शानदार जानदार बात है। पिछले लेक्चर तक हमने क्या पढ़ लिया था सर? पिछले लेक्चर तक हमने तीन खतरनाक केस पढ़ लिए थे। वो तीन केस बता सकते हो सर? पहला बालफर वर्सी बालफर, बालफर वर्सी बालफर रे, बालफर वर्सी बालफर। दूसरा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। तीसरो भैया तीसरो हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल। ये केस हमने शानदार जानदार पढ़ लिए थे और आइस से गोला याद कर लिया था सर। बहुत बढ़िया बात, कैसे ही बच्चों को याद आ रहा सर। सर बात यह बात सर, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। सबसे पहली बात सर, ऑफर के रूल्स, हमें जब ऑफर के रूल्स पढ़ने हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि राइट द लीगल रूल्स फॉर वैलिड ऑफर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, राइट द लीगल रूल्स फॉर वैलिड ऑफर, ये भी एग्जाम में आ चुका है सर। सर पहला, सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे शानदार रूल जो है ऑफर का वो यही है। क्या है सर? क्या है सर? लीगल रूल है ऑफर का एक कि भैया ऑफर जब भी होगा, और वो हम चैप्टर वन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, बालफर वर्सेस बालफर का ध्यान रखेंगे। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, कि भैया क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, लीगल रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, लीगल रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। यानी कि ऑफर जो होगा, ऑफर अगर आप लीगल रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो वैलिड ऑफर नहीं होगा। नहीं, ऑफर क्या होना चाहिए सर? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सर बच्चों वाली बात है सर, जानते हैं सर। सर अगली बात सर, सर ऑफर हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। कहानी याद आ गई होगी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, है कि नहीं बात? राइट, कि ऑफर क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए सर हमारा एकदम सर्टेन और डेफिनेट, सर्टेन और डेफिनेट, यानी कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भैया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि सर्टेन होना चाहिए, विदाउट एनी कंफ्यूजन, और अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग क्रिएट नहीं होना चाहिए, और हवाई बातें नहीं होनी चाहिए कि भैया मैं तुमसे कह रहा हूं 85 मंजिल से कूद जाना, 85 मंजिल से, कहां से कूद जाना भैया? 85 मंजिल से कूद जाना, है ना, और जैसे ही तुम उठोगे मैं तुम्हें लाख रुपए तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा, उठते ले भैया मेरी तरफ से इनाम, अगली बात। हाँ सर, तो भैया हवाई बातें नहीं करनी, ये सब बेकार की बातें हैं कि बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे, ठीक है सर। ऑयल वाला केस याद आ गया, दो तरह के ऑयल बताए भैया, ना 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 ना, कार खरीदेगा कौन सी ये नहीं बताया भैया, मुझसे पढ़ लो 1 लाख में, 1.5 लाख में, कितने में ये भी नहीं बताया। यानी ये तीनों स्टेटमेंट क्या करती हैं? तीनों स्टेटमेंट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। वेग मतलब जो बात पूरी ना हो पाए, वेग हवाई बातें, जिसे पूरा ना करना, जिसे पूरा करना नामुमकिन सा हो, हवाई बातें, खजाना ढूंढ लाना, मरे हुए को जिंदा करना, ये सारी हवाई बातें हैं, इलॉजिकल बात है। बिल्कुल सही बात सर। सर सबसे मजेदार चीज, सबसे शानदार चीज है ये सर, एक बात जो आपने बहुत अच्छे सीखी है सर, आप गए ट्रॉली लेके कहां पे, याद आ गई बात? ट्रॉली लेके कहां जा रहे भैया? मैं तो रास्ते से जा, कहां पे सर, कहां जा रहे रास्ते में? बिग बाजार में पहुंचे, रिलायंस फ्रेश में पहुंचे, किसी मॉल में पहुंचे, ट्रॉली लेके, ट्रॉली लेके घूमते 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 ट्रॉली घुमाते 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 कैशियर के पास पहुंचे। कैशियर ने क्या बोला? कैशियर ने बोला, उरी दादा ई नहीं चौल में, रात का 10 बज गया है, उरी दादा रात का 10 बज गया, ई नहीं चौल में, रात का 10 बज गया है, हमारा सर्वर बंद हो गया ना बबुआ, हमारा सर्वर बंद हो गया है। और तुम्हें गुस्सा है, सर्वर बंद हो गया, सर में दर्द कर रहा मेरे, सर्वर बंद हो गया तेरा, यहाँ सर में दर्द हो रहा मेरे, 2 घंटे से माल छाट छाट के, सामान छाट छाट के, चीनी आटा दाल दूध दही मक्खन छाट छाट के रखे हैं, फिर ट्रॉली की लाइन में भी लगे हैं, तो हमारे आगे 5 लोग लगे हैं लाइन में, अब पांचों की लाइन को चीर के हम आगे पहुंचे तो कह रहे सर बंद हो गया, ऐसे कैसे बंद हो गया भैया? ना ना ना, बिलिंग कर बिलिंग कर बिलिंग कर, बिलिंग करनी पड़ेगी, गर्दन पकड़ लिया भैया, गर्दन पकड़ ली, गला घोटे कर गर्दन पकड़ ली, बात कोर्ट तक चलेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का भैया, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, कोर्ट तक बात गई, कोर्ट तक बात गई, तुम कोर्ट पे पहुंच गए, ठीक है, बिग बाजार जीतेगा या तुम जीतोगे, बताओ भैया, बिग बाजार या तुम, कौन जीतेगा बताओ रे पुष्पा, कौन जीतेगा?
सर 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 बिग बाजार जीतेगा, बिग बाजार जीतेगा सर। रीजन, तुमने जो सामान उठाया और तुमने ट्रॉली से बिग बाजार के वाले कैशियर के आगे रखा, बिलिंग काउंटर पे रखा, बिलिंग काउंटर पे ये काम जरूर करना है, बिलिंग काउंटर पे आज के बाद ये काम जरूर करना है, हद से ज्यादा जरूरी है काम करना। सर क्या काम करना? बिलिंग काउंटर पे जाके बोल देना, भैया भैया क्या तू मुझे ये बेचेगा, बोतल ले जाना बिलिंग काउंटर में, भैया क्या तू मुझे बिस्लरी की बोतल बेचेगा, है कि नहीं बात? ये पकड़ लिया, भैया क्या तू मुझे ये बेचेगा, बिलिंग काउंटर पे जाके ले जाना है, भैया क्या तू मुझे बेचेगा, बिलिंग काउंटर पे जाके। एक्चुअली में होना यही चाहिए, आपको पूछना चाहिए कैशियर से, काउंटर वाले से, कि भैया तुम मुझे बेचोगे, भैया तुम मुझे बेचोगे, तुम मुझे बेचोगे, तुम मुझे बेचोगे क्या? वो बोल रहेगा नहीं बेचूंगा क्योंकि सर्वर बंद हो गया, नहीं बेचूंगा। तुम ऑफरर हो, तुम वहां जाके ऑफर देते हो, तुम बेचोगे क्या? वो ऑफरी है और ऑफरी के पास पूरा अधिकार होता है, ऑफरी के पास पूरा राइट होता है क्या करने का? मना करने का। क्या करने का पुष्पा? मना करने का राइट होता है। तो यू आर द ऑफरर। एक्चुअली में तुम कौन हो? तुम हो ऑफरर। बिग बाजार क्या है? बिग बाजार है आपका ऑफरी। तुम प्रपोजर हो, प्रपोजी है, तो बिग बाजार के पास राइट है, राइट। वो ऑफरी है तो ही बिग बाजार हैज अ राइट टू डिनाय। मना करने का राइट है, मना करने का राइट है कि वो आपको मना कर सकता है। तो फिर तुम केस कैसे कर सकते हो? सर फिर वो जो डिस्प्ले में लगा रखा है, डिस्प्ले में जो गुड्स लगा रखे हैं, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स, कि भैया आओ ट्रॉली भर खरीद लो, जज साहब ने बोला जो विंडो डिस्प्ले है, दैट विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज ओनली एंड ओनली इन्विटेशन टू ऑफर, ओनली एंड ओनली इन्विटेशन टू ऑफर। बोलो मजा आ गया सर? मजा आ गया भैया? मजा आ गया सर? मजा आ गया? समझ गए सर? ऐसे ही सर। अगला केस कौन सा आया? अगला केस आया सर आपका हार्वी वर्सेस फेसी। सेम केस आपका मिला, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट। सर रटना है सर, जीकेपीएल करना है सर, रटना नहीं है, जीकेपीएल कर लेना है केस लॉ को। आज का पहला महत्वपूर्ण केस, आज का दूसरा खतरनाक केस, हार्वी वर्सेस फेसी। सर सर हार्वी ने क्या बोला? हार्वी ने पूछा विल यू सेल बंपर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। फेसी ने क्या बताया? फेसी ने क्या बताया? अरे पुष्पा, फेसी ने बताया माय लो प्राइस इज, लोएस्ट प्राइस इज 900 रुपए या 900 यूरो, 900 डॉलर, जो भी है ना, 900 डॉलर। हार्वी ने झट बोल दिया, एच ने बोला ओके डन 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 डन, 900 डॉलर में डील डन, 900 डॉलर में डील डन, 900 डॉलर में डील, डील 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 डन 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 लंदन डील डन। अब फेसी ने मना कर दिया, ना 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 ना, ई नहीं चौल में भैया, ई नहीं चौल में, ई नहीं चौल में, ई बिल्कुल में नहीं चौल में, है ना भैया, मैं नहीं बेच रहा, मैं नहीं बेच रहा। हार्वी ने केस कर दिया, हार्वी ने स्यू कर दिया, एफ ने मना किया, एच स्यू, एच ने स्यू कर दिया। कौन जीतेगा? हार्वी जीतेगा या फेसी जीतेगा? अरे भैया फार्मास्यूटिकल सोसाइटी तो वही है। अरे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी मतलब क्या है सर? नशे में हो क्या भैया? रे बिग बाजार वाला केस है ना, राइट? बिग बाजार वाला केस है सर। सर फेसी जीतेगा, जज साहब ने बोला, जज साहब ने बोला, इसलिए होश में सुनेंगे। जज साहब ने बोला सर हार्वी जी आपने दो क्वेश्चन पूछे, आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए, विल यू सेल बंपर हॉल पेन और टेलीग्राफ द लोएस्ट प्राइस। फेसी भाई साहब ने इसका तो आंसर नहीं दिया। दूसरी बात, उसने लोएस्ट प्राइस बोल दिया, उसने लोएस्ट प्राइस बताया 900 रुपए। तो जज साहब ने कहा कि किसी को पैसा बताना, किसी को अमाउंट बताना, किसी को मेन्यू कार्ड देना, है ना, किसी को पैसे की कोटेशन देना, किसी को इंफॉर्मेशन देना, किसी को मेन्यू कार्ड देना, किसी को कोटेशन देना, किसी को इंफॉर्मेशन देना, ये ऑफर नहीं होता। मैंने तुम्हें कहा मैं, मेरी लॉ की फीस 10,000 रुपए है, तो मैं तुम्हें ऑफर नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है?
रेस्टोरेंट में तुम्हारे पास मेन्यू कार्ड आया ना, मेन्यू कार्ड रेस्टोरेंट में तुम्हारे पास मेन्यू कार्ड पहुंचा, तो जो मेन्यू कार्ड पहुंचा रेस्टोरेंट वाले ने आपको दिया है, वो ऑफर नहीं है कि ये सब चीजें खा लो। अगर वो ऑफर होता तो सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती, मेन्यू कार्ड अगर ऑफर होता तो सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती, सारी खा लो। मेन्यू कार्ड क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर, भैया इसे पढ़ के हमें ऑफर दे दो, मैंने जो तुम्हें दिया ठीक है ना, कि भैया मेरी लॉ की फीस 10,000 है, मैंने सिर्फ अपनी फीस बताई है, तुम लॉ की फीस को देखकर जज कर मुझे ऑफर दो, सर क्या आप लॉ पढ़ाओगे? तो किसी को लोएस्ट प्राइस बताना, किसी को मेन्यू कार्ड देना, किसी को कोटेशन देना, किसी को इन्फॉर्मेशन देना, सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर होता है कि सामने वाले को हम इनवाइट कर रहे हैं, तुम आके हमें ऑफर दो, सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं, तुम आके हमें ऑफर दो। सामने क्या बोला सर, ये ध्यान से याद करेंगे सर, ये बोला मियर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस, यानी किसी को मेन्यू कार्ड देना, किसी को कोटेशन देना और किसी को सिर्फ इंफॉर्मेशन देना कि वो इतने रुपए पे बेचेगा, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द पर्सन टू इंक्वायर अबाउट द प्राइस, ये उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट या उसको ऑफर नहीं है, उसको इन्विटेशन टू ऑफर दिया है कि 900 रुपए बेचूंगा, इन्विटेशन टू ऑफर दिया। अब सामने वाला बंदा पूछेगा, भैया ए भैया ए पुष्पा ए पुष्पा 900 में बेचेगा क्या? अरे भैया 900 में बेचेगा, बंपर हॉल पर 900 बेचेगा। फिर सामने वाला फेस ही बोलेगा हाँ मैं बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, यानी कि किसी को प्राइस बताना क्या होता है सर, इनविटेशन टू ऑफर होता है। सर फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में क्या हुआ? यही तो हुआ रे भैया, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में क्या हुआ? सेम हुआ है। क्या हुआ सर? गुड्स डिस्प्ले हो रहे थे, ठीक है ना, राइट। तुम गए, तुम कौन हो? ग्राहक। तुमने डिस्प्ले गुड से सामान उठाया और ट्रॉली में भरा, ट्रॉली से भर के तुम उसे कहां ले गए? कैशियर के पास ले गए। कैशियर ने मना कर दिया, भैया मैं नहीं बेच रहा। तो कस्टमर हैज नो राइट टू सू द शॉपकीपर। तुम अब शॉपकीपर पर, दुकानदार पर, बिग बाजार पर केस नहीं कर सकते। शॉप ओनर कौन? बिग बाजार। बिग बाजार पर केस नहीं कर सकते क्योंकि उसका डिस्प्ले गुड्स क्या है? उसका डिस्प्ले गुड इन्विटेशन है, इन्विटेशन टू ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर कि तुम आओ और ऑफर दो। तभी तो तुमने गाना सुना, तो फिर आओ मुझको सताओ, है ना। हाँ, इन्विटेशन टू ऑफर है सर। है कि नहीं बात? राइट। तो ये है सर इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी सर। ये रहा सर, ये लिखी बात सर। दूसरा, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज इन्विटेशन टू ऑफर, कोटेशन कैटलॉग प्राइस लिस्ट इज इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोलो समझ गए सर? दो केस हो गए सर हमारे, राइट। पहला बताओ, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी से क्या समझ में आया सर? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी से क्या समझ में आया? सही बच्चे जवाब देंगे सर। भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली मना कर सकता है, वो कह सकता है मैं नहीं बेच रहा, मैं नहीं बेच रहा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं हम, दूसरे एक्ट नहीं पढ़ रहे। इधर ध्यान दो, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी क्या समझ में आया बात? डिस्प्ले ऑफ गुड्स, है ना, बेचने से मना कर सकता है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज इन्विटेशन टू ऑफर, राइट। दुकानदार बेचने से मना कर सकता है, बिग बाजार वाले दुकानदार सेल करने से मना कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। सिंपल सी बात है सर, इसमें क्या दिक्कत है? हार्वी वर्सेस फेसी, हार्वी वर्सेस फेसी, किसी को प्राइस बताना, मैंने तुम्हें बताया मेरी लॉ की फीस 10,000 रुपए है, लेट से प्राइस बताना, रेस्टोरेंट वाले ने तुम्हें मेन्यू कार्ड दे दिया कि भाई ये सामान हम बेचते हैं, खाने पीने का ये सामान बेचते हैं, ठीक है, दाल दही मक्खन दाल मखनी, है ना, रोटी चावल बेचते हैं, मेन्यू कार्ड बताना और किसी को सिर्फ अपनी प्राइस बताना,
कैटलॉग बोल देना, कोटेशन देना, मिनिमम प्राइस कोटेशन बोले तो है ना, अपनी प्राइस को कोट करना, मेरा मिनिमम प्राइस ये है। ये क्या है सर? ये भी इनविटेशन टू ऑफर है, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है भैया, राइट। यानी कि मैंने प्राइस बताया आपको कि मेरी लॉ की फीस इतनी है, पढ़ोगे तो तुम मेरे पास आओगे क्या करने, ऑफर लेकर कि सर आप हमें लॉ पढ़ा सकते हैं इतने रुपए में। मैं मना कर सकता हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ना पढ़ाऊंगा। तो मेरा पैसा बताना तुम्हें ऑफर थोड़ी है, मेरा पैसा बताना तो तुम्हें इनवाइट करना है। ये फीस है भैया, पढ़ोगे तो बताओ। तुमने, तुम्हारे साथ भी तो ये हुआ है, तुमने फीस देखी होगी, ऐप पर देखी होगी है ना, यूट्यूब के एड में देखी होगी, राइट। तुमने फीस देखी, पूरे कोर्स की फीस ही है, फिर तुमने अप्लाई किया कि सर आप पढ़ाओगे। अगर आपने अप्लाई किया और मैं मना कर दूं कि नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो बात खत्म। तो मेरा फीस बताना, मेरी कोर्स की डिटेलिंग बताना इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। समझ गए सर? आखिरी केस आया सर, दो केस याद हो गए सर, आखिरी केस आया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अरे भैया क्वेश्चन तो बहुत आसान आएगा रे, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन तो ये आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। क्या हुआ, बैठा लो, आएंगे शायद। मयंक होगा, मयंक अंदर बैठा लो सर। क्वेश्चन आएगा, ए मिस्टर ए है, कहाँ गए, मॉल में गए, ठीक है। सेलेक्ट, ही सेलेक्टेड प्राइस प्रोडक्ट है ना, ही सिलेक्टेड प्रोडक्ट एंड फिल्ड हिज बास्केट। व्हेन ही रीच काउंटर, व्हेन ही रीच काउंटर, सेल्समैन या कैशियर डिनाइड टू सेल द प्रोडक्ट। है ना, ए स्यू ऑन शॉपकीपर इज, ए विल विन, क्या ए जीतेगा या ए को सामान मिलेगा, इज ए विल गेट गुड्स, क्या गुड्स मिलेंगे बताओ। स्टेप नंबर वन, जल्दी बोलो, पहले क्या लिखेंगे आप, जो मैंने आपको वीडियो भेजी है याद आ गई वो वीडियो, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम, उसकी वीडियो से आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। स्टेप नंबर वन, पहले क्या करेंगे आप, पहले क्या करेंगे, पहले आप लॉ को डिफाइन करेंगे, प्रोविजन लिखेंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर फार्मास्यूटिकल वाला केस डिसाइड करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर स्टेप नंबर टू में आओगे आप, स्टेप नंबर टू में एनालिसिस करोगे, इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस, इन प्रेजेंट केस ए रीच द मॉल फिल द बास्केट है ना, शॉपकीपर डिनाइड, देयरफॉर ए इंटेंशन इज नॉट करेक्ट, ए विल नॉट है ना, ए इज नॉट एबल टू सू द शॉपकीपर एज एज डिस्प्ले ऑफ गुड्स, एज डिस्प्ले ऑफ गुड्स, एज डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज ओनली इन्विटेशन टू ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। और फिर कंक्लूजन दे देंगे, ए विल नॉट गेट द गुड्स, फिर कंक्लूजन क्या दे देंगे, कई बार बताया मैंने ये बात, फिर आप कंक्लूड करोगे ए विल नॉट गेट द गुड्स, ए विल नॉट गेट द गुड, खेल खत्म। आधे पेज में आंसर देने का है, बात खत्म होगी सर। मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, मियर कोटेशन ऑफ प्राइस है ना, और डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज नॉट एन ऑफर, इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। अगला सर, दिल पे बहुत तेज लगने वाला, दिल पे बहुत तेज लगने वाला केस लॉ। जज साहब ने बहुत गलत डिसीजन दिया, पर क्या करें, जज का डिसीजन है ना, जज का डिसीजन सर्वोपरि है, जज का डिसीजन सबसे ऊपर है सर, क्या करें, जज जज है भैया, जज जज है सर। हुआ क्या, एक बंदा बहुत दूर से, मान लो मुंबई से, मुंबई मेरी जान, मुंबई मेरी जान है ना, एक बालक जब तुम में से कोई मुंबई महाराष्ट्र से होगा, मुंबई से पहुंचा दिल्ली, क्या देखकर सर, एक ये एड देखकर
कि भैया दिल्ली में ऑक्शन है, दिल्ली में ऑक्शन है, दिल्ली में ऑक्शन है, अरे पुष्पा दिल्ली में ऑक्शन है, अरे दिल्ली में ऑक्शन है। उनने कहा भैया ऑक्शन में जाऊंगा, सामान खरीदूंगा, बोली लगाऊंगा, फिर सस्ते दाम में बोली लगा के अपनी दुकान पे आके फिर बेचूंगा। जैसे बेचारा ऑक्शन में पहुंचा, वहां पे लिखा था ऑक्शन कैंसिल, ऑक्शन कैंसिल, बोलो पेंसिल, ऑक्शन कैंसिल, बोलो पेंसिल, ऑक्शन कैंसिल, बोलो पेंसिल, ऑक्शन कैंसिल। उसको बहुत गुस्सा आया, उसको बहुत गुस्सा आया, पहुंचा दिल्ली में, कैंसिल हो गया मामला, दिल्ली में कैंसिल हो गया। मुंबई वाले व्यक्ति ने ऑक्शन कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि भैया मेरी दुकान बंद रही, मेरा आने जाने का रेंट लगा, मेरी होटल की टिकट बुक थी, मेरी प्लेन की टिकट बुक थी, मेरा समय बर्बाद हुआ, और इतना सब कुछ खर्च करने के बाद जब मैं दिल्ली जा रहा हूं तो मेरा ऑक्शन कैंसिल मिल रहा है, मेरा ऑक्शन कैंसिल हो रहा है, पैसे दिलवाओ मुझे, बहुत स्ट्रेस हुआ है, आता माजी से टकली, बहुत स्ट्रेस हुआ है, आता माजी से टकली। भैया मुंबई ने दिल्ली ऑक्शन के ऊपर केस कर दिया, ऑक्शन के ऊपर केस कर दिया, अंकल जी जीतेंगे या ऑक्शन जीतेगा? बहुत बड़े बात कही देवी बाबू। हाँ सर, ये लिखी बात बहुत बढ़िया, बात कही बहुत बढ़िया, ये लिखी बात क्या लिखी है सर? When goods are sold through auction, auctioner does not contract with anyone who attend the sale. Auction is only advertisement to sale. यानी कि auction का जब आप ad देख रहे हैं, auction का जब आप ad देख रहे हैं, तो वो सिर्फ invite है आपको, वो सिर्फ invitation है कि आप आओगे और auction में बोली लगा के offer दोगे। यानी इनविटेशन के ऊपर केस नहीं हो सकता रे भैया, ये नहीं चल बे, है ना? इनविटेशन, मैं सिर्फ इनवाइट कर रहा हूं कि तुम आके मुझे ऑफर दो। इनवाइट का मतलब क्या होता है? मैं सिर्फ आपको इनवाइट कर रहा हूं कि तुम आके मुझे ऑफर दे दो, तुम आके मुझे ऑफर दे दो। जज साहब ने बहुत ही खतरनाक डिसीजन दिया। जज साहब ने बोलियो, क्या बोलियो? जज साहब ने बोला ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है? यानी न्यूज़पेपर में दी गई सिर्फ बातें कि भैया इस दिन ऑक्शन है, इट जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। केस का नाम हैरिस वर्सेस निकर्सन, हैरिस वर्सेस निकर्सन। तो भैया मुंबई केस हार गया, मुंबई केस हार गया, ऑक्शन वाले जीत गए। क्यों? क्योंकि ऑक्शनर ने आपका नाम लेके थोड़ी कॉन्टेक्ट किया कि भैया तुम्हें कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, आ जाओ ऑक्शन में। ना 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 ना, आप ऑक्शन में जाते हो फिर बोली लगाते हो, एक लाख, एक लाख एक, एक लाख दो, डेढ़ लाख, है ना भाई साहब? डेढ़ लाख की बोली लगाई है, डेढ़ लाख एक, डेढ़ लाख दो, दो लाख, ठीक है ना? राइट। तो यानी कि आप ऑक्शन में बोली लगाकर ऑफर दे रहे हो, ऑक्शन में बोली लगाकर ऑफर दे रहे हो, और सामने वाला जब तीसरा हथौड़ा मारेगा एक दो तीन, तो तीसरा हथौड़ा एक्सेप्टेंस मानी जाती है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तीनों केस याद रहेंगे सर, बोलो समझ गए सर, मजाक है सर। जब भी भैया वीडियो को देखेंगे ध्यान से खोपड़ी में बात फिट करके देखेंगे, इसलिए आपको बहुत डिटेल वीडियो मजेदार तरीके से बना के दिए सर। अगली बात, अगला केस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। भैया मजाक है सर, बहुत बढ़िया मजाक है, बच्चे कह रहे हैं मजे आ गए सर। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, फिर से वही कहानी, रामू काका, रामू काका बालक को ढूंढ के लाए, गुमशुदा की तलाश, फाइंड द मिसिंग पर्सन। सर पिछला जो केस पड़ा था मिसिंग पर्सन का, रामू काका वाला पिछला जो केस पड़ा था मिसिंग पर्सन का, वो केस क्या था बताना जरा, केस का नाम क्या था सर? बहुत बढ़िया बात की, बच्चे को सब याद आ रहा सर। उस केस का नाम था हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल। पहले मुझे बता दो हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ सर? सर जो बालक को ढूंढ के लाया, जो बालक को ढूंढ के लाया उसे रिवॉर्ड मिला, है ना? क्यों? क्योंकि क्योंकि बालक को ढूंढने वाले को, बालक को ढूंढने वाले को रिवॉर्ड का पता था, पता था भैया रिवॉर्ड का, पता था भैया रिवॉर्ड का पता था।
आज का केस, आज का केस, आज का केस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। है ना, जो बालक को ढूंढ के लाया, जो बालक को ढूंढ के लाया उसे रिवॉर्ड नहीं मिला, उसे रिवॉर्ड नहीं मिला। बता सकते हो क्यों रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि, बताओ क्योंकि उसे रिवॉर्ड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसे रिवॉर्ड का पता ही नहीं था, क्योंकि उसे रिवॉर्ड का पता नहीं था। अब जज साहब ने इसको क्या नाम दिया? रिवॉर्ड का पता नहीं था। यानी दोनों केस में, दोनों केस में एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों केस में छोटा सा डिफरेंस है रे पुष्पा। रिवॉर्ड का पता था, रिवॉर्ड का पता नहीं था। इस सिर्फ इतनी बात से दो भयानक केस डिसाइड हो गए, इतनी बात से दो भयानक केस डिसाइड हो गए, इतनी बात से दो भयानक केस डिसाइड हो गए। सर, सर जज साहब ने बोला रिवॉर्ड का पता नहीं था, इसका मतलब ये बताओ जिस ऑफर के बारे में तुम्हें पता ही नहीं, जिस ऑफर के बारे में तुम्हें पता ही नहीं, जिस रिवॉर्ड के बारे में तुम्हें पता नहीं, जिस ऑफर के बारे में तुम्हें पता नहीं, उसकी हां कैसे हो जाएगी? जब तुम्हें रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं, तुम्हें ऑफर के बारे में पता ही नहीं, तो तुम उसे एक्सेप्ट कैसे कर लोगे? पुष्पा तुम उसे एक्सेप्ट कैसे कर लोगे? मैंने एक ऑफर दिया, तुम्हें ऑफर का पता ही नहीं, तो तुम बाद में कैसे कह दोगे हाँ 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 सर मुझे देना, मुझे पढ़ाना चाहिए था आपको। मैंने कहा एक बालक को फ्री में पढ़ा दूंगा लक्की ड्रॉ से, तुम्हें उसको पता ही नहीं, तो तुम उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? हाँ सर मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, है कि नहीं बात? तो जज साहब ने इसको क्या बोला? जज साहब ने बोला कोई भी ऑफर तभी वैलिड माना जाएगा जब ऑफर की जानकारी ऑफरी को हो। ऑफर मस्ट बी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू हूम, जिसको ऑफर दिया गया है ऑफर पता होना चाहिए, जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है उसे पता होना चाहिए, है कि नहीं बात? यानी पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट द थिंग जिसके बारे में उसे पता ही नहीं। आप वो चीज को हां नहीं कर सकते, आप वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो आपको पता ही नहीं है, जो आपको पता नहीं है उसे कैसे एक्सेप्ट कर लोगे रे पुष्पा? उसे कैसे एक्सेप्ट कर लोगे बताओ? बोलो समझ गए सर? राइट, तो ये लिखी बात, ऑफर तभी इफेक्टिव होता है जब वो ऑफरी को पता लगे। तो ऑफरी को पता लगना जरूरी है, ऑफरी को पता लगना जरूरी है, ऑफरी को पता लगना जरूरी है। अगर ऑफरी को पता ही नहीं है तो फिर वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ऑफरी को पता नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ऑफरी को पता होना चाहिए। डन सर, सेम ऊपर बालक खोया था, यहां डॉग खोया, केस सेम है कि नहीं बात? अगला सर माइक टाइसन वाला केस, माइक टाइसन वाले ने क्या बोला? मैं भैया वुड हैव शेयर, मैं नाम प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, मेरी बिटिया शादी कर लो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर सकता हूं रे बाबू, है ना? या फिर ये विलिंग टू डू बिजनेस, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूं, है ना, मैं तुम्हारे नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर सकता हूं। तो भैया चाहता हूं, कर सकता हूं, ये सिर्फ क्या है? आपकी इंटेंशन है, इंटेंशन है, इंटेंशन, ये ऑफर नहीं है, आपकी सोच है, आपकी चाहत है, आपकी विलिंगनेस है। तो चाहत सोच विलिंगनेस कभी ऑफर को जन्म नहीं देती, चाहत सोच विलिंगनेस कभी ऑफर को जन्म नहीं देती, ठीक है ना? राइट, ये ऑफर नहीं माना जाता। सर कहानी बहुत दिल की है, सर मैंने जब ऑफर किया आलिया बहुत दुख, कपूर खानदान ने सही नहीं किया मेरे साथ, अरे भैया कपूर खानदान ने बहुत गलत किया क्या करें भैया, मैंने आलिया को बोला है ना, जब उसने हां नहीं करी तो मैंने कानूनी चाल चली, कानूनी चाल है ना, कानूनी चाल चली। सर क्या बोला? सर मैंने बोला आलिया अगर तुमने अगले फ्राइडे तक हां नहीं बोला, है ना, अगर तुमने हां नहीं बोला तो मैं समझूंगा हां है,
मैं समझूंगा तुम्हारी तरफ से हाँ है रे, मजा आ गया। कार्ड छपेंगे शादी के, बहुत बढ़िया छपेंगे। पहला कार्ड जाएगा गणेश जी को, दूसरा कार्ड जाएगा महेश जी को, है कि नहीं बात, आल्या के पिताजी को। अगले फ्राइडे तक हाँ नहीं आई, हाँ नहीं बोला, अगले फ्राइडे तक कुछ नहीं आया। साइलेंस टिल नेक्स्ट फ्राइडे। भैया शादी हो जाए ना हो जाए, कार्ड छप जाए ना छप जाए। खामोशी का मतलब भैया मैंने हाँ समझ लिया, बिल्कुल उत्तर। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, के साथी प्यार का तुमने चुन लिया चुन लिया। भैया कुछ नहीं बोला। सर क्या शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे नलायको तुम वो बालक हो जो अपने दुख से दुखी नहीं हो, मेरे सुख से सुखी हो। भैया तुम अपने दुख से दुखी ना हो, तुम मेरे सुख से सुखी दुखी हो ज्यादा। दूसरे की थाली में घी जहां दिखता है कि भैया हमारी ना हो पाए अल्लाह से, इनकी कैसे होने देंगे अभी भी। अरे नलायको एक तो होगा बेचारा जो दिल से बोलते हाँ सर। सर कानून के हिसाब से शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता। अरे पुष्पा खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता रे, बहुत दर्द, बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा। दर्द में दर्द, दिल में इतना दर्द हुआ कि पेट में भी दर्द होने लगा, दिल के दर्द के साथ साथ पेट का दर्द भी हो गया, बहुत दर्द। अब इसको कानूनी तौर पे कैसे लिखा गया? कानूनी तौर पे लिखा गया, कानूनी तौर पे लिखा गया ऑफर मस्ट नॉट कंटेन द टर्म जिसका पूरा ना होना नॉन कंप्लायंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऑफर में कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बात का पूरा ना होना, बात का पूरा ना करना, बात किसी बात का पूरा ना करना इज इक्वल टू यस हो जाए। तो जज साहब ने बोला ऑफर मस्ट नॉट कंटेन द टर्म, ऑफर में कोई भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस, जिसका नॉन कंप्लायंस, जिसका नॉन कंप्लायंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस हो जाए। यानी ऑफर में आप कोई भी ऐसी बात नहीं लिखेंगे जिसका पूरा ना होना यस माना जाए कि अगले फ्राइडे तक तुमने कुछ नहीं किया या ये नहीं किया तो मैं यस मान लूंगा। ना ना ना, ना। ऐसी बात नहीं भैया, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता। ये लिख के बात फेलियर ऑफ रिप्लाई बाय आलिया वुड नॉट रिजल्ट इन टू एक्सेप्टेंस, यानी साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सेम केस आया फेल्टहाउस वर्सेस बिंटले, फेंटाउस वर्सेस विंटले। फेंटाउस वर्सेस विंटले में भी क्या हुआ सर? उसमें भी यही बोला गया कि भैया चच्चा ने बोला अपने भतीजे से, ए भतीजे ठीक है ना, ये हॉर्स मैं खरीदूंगा, ये हॉर्स मैं लूंगा, इस घोड़े को मैं लूंगा 30 यूरो में, $30 में, किसी और को मत बेचियो, ठीक है। भतीजे का कोई रिप्लाई नहीं आया, भतीजा साइलेंट, भतीजा साइलेंट। तो भैया भतीजे का चुप रहना, भतीजे का चुप रहना इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं होगा कि चाचा हॉर्स खरीदेंगे और चाचा को ही हॉर्स बेचना है। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस कि जो चाचा बोल रहे हैं मैं उसको मानूंगा, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, ठीक है। खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता सर, ये लिख के आएंगे इसमें सर। अगली बात सर, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करेंगे सर। सबसे पहला गोवा की कहानी याद आ गई बात, आओ सुनाओ तुम्हें, गोवा की कहानी याद आई होगी। हाँ सर याद आ गई सर, बहुत बढ़िया तरीके से याद आ गई सर। टिकट के फ्रंट पे कुछ नहीं लिखा था, हैंडसन वर्सेस स्टीवनसन, बैक पे लिखा था, बैक पे टिकट के फ्रंट पे कुछ नहीं लिखा था, बैक पे लिखा था। बात कोर्ट तक पहुंच गई, सामान खो गया ट्रेन से, ठीक है। हैंडसन ने ट्रेन वालों के ऊपर केस कर दिया, कौन जीतेगा?
ट्रेन वाले कह रहे हैं ले दे, पीछे पढ़ ले रहे पुष्पा, पीछे पढ़ ले रहे, पीछे पढ़ ले, देख देखिए लिखी बात, देखिए लिखी पीछे पढ़, देख कितनी बड़ी बात लिखी, पीछे पढ़, पीछे पढ़, देखिए लिखी बात पीछे, पीछे पढ़, यहाँ लिखा है सामान खो गया हमारी जिम्मेदारी ना है, सामान खो गया भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कौन जीतेगा सर? तुम जीतोगे, रेलवे जीतेगा, तुम जीतोगे, रेलवे जीतेगा सर। तुम थे हैंडसन की जगह, कौन जीतेगा बोलो? हम जीतेंगे, रेलवे जीतेगा सर। यस सर, सर आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, बिल्कुल सही सर, यू विल विन, यू विल विन। जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला लोग भैया टिकट का फ्रंट पढ़ते हैं, लोग भैया टिकट का फ्रंट पढ़ते हैं, लोग टिकट का फ्रंट पढ़ते हैं, बैक कोई ना पढ़ता भैया, बैक कोई ना पढ़ता। इसमें भी मैंने जब ये आया होगा तो इसका फ्रंट पढ़ा होगा, बैक किसी ने नहीं पढ़ा आज तक, मैंने भी नहीं पढ़ा, इतना छोटा छोटा लिखा है। तो जज साहब ने बोला कोई स्पेशल बात हो तो उसे हाईलाइट करके बतानी चाहिए, स्पेशल बात को हाईलाइट करें, स्पेशल बात को हाईलाइट करें, स्पेशल बात को हाईलाइट करें। अगर बैक पे पढ़वाना था तो टीएनसी लिख के, टीएनसी या फिर क्या लिखे, टीएनसी फ्रंट पे लिख के, टीएनसी अप्लाई फ्रंट पे लिख के हाईलाइट करें कि भैया, या फिर क्या लिखें, या फिर लिखें रीड एट द बैक, या फिर ये लिखें। अगर ये नहीं लिखा, ठीक है पुष्पा, ये नहीं लिखा, ये भी ना लिखा, तो इसका मतलब आपने आपने स्पेशल बात को हाईलाइट नहीं किया। आपने स्पेशल बात को हाईलाइट नहीं, तो ग्राहक पीछे क्यों करेगा, ग्राहक पीछे क्यों पड़ेगा, ग्राहक पीछे ना पड़े भैया, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा ग्राहक पीछे का डेटा। कौन जीता सर? आप जीते, आप जीते सर। ये लिखी बात, एक्स एंटाइटल टू क्लेम द कंपनसेशन, ठीक है ना, बिकॉज बिकॉज देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ फेस ऑफ द टिकट टू ड्रॉ अटेंशन फॉर स्पेशल टर्म प्रिंटेड एट द बैक। जो ब्लू पेन से हाईलाइट की है, जे एग्जाम में लिख के आनी है, जे एग्जाम में लिख के आनी है, जे एग्जाम में लिख के आनी है। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, समझ गए सर, समझ गए, मजा आ गया सर, मजा आ गया, ओ समझ गए सर, सही बालक खुशी खुशी कहते हुए समझ गए सर। अगली बार फिर तुम ट्रेन में पहुंचे, ट्रेन में पहुंचे तो फेस पे लिखा था, ऑन द फेस लिखा था सी एट द बैक, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, यानी हाईलाइट है बात, हाईलाइट है रे पुष्पा, बात हाईलाइट है। और पीछे क्या लिखा था, सामान खोया तो $10 मिलेंगे, सामान खोया तो $10 मिलेंगे, सामान खोया तो $10 मिलेंगे, मजा आ गया सर। फिर क्या होना था, फिर क्या होना था, पार्कर वर्सेस एसी रेल एंड कंपनी, फिर क्या होना था भैया, अरे फिर क्या होना था, जल्दी बता दो, पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी बता दो, फिर क्या होना था, सामान खोना था, सामान खोना था रे पुष्पा, सामान खोना था, सामान खोया तुम्हारा, यू लॉस द बैग, आपने क्लेम किए सर मेरे को $24 मिलने चाहिए, यू क्लेम $24, आपने कहा मेरा सामान $24 का था, $24 दो, रेलवे ने बोला $10 लिखा है, रेलवे ने बोला $10 लिखा है, आप जीतोगे रेलवे जीतेगी, आप जीतोगे रेलवे जीतेगी। सर बिल्कुल सही सर, फेस पे हाईलाइट था, बिल्कुल हाईलाइट करके स्पेशल बात हाईलाइट की है, हाईलाइट किए तो रेलवे विन, रेलवे विन, ओनली $10 मिलेंगे, ओनली $10 मिलेंगे, ओनली $10 मिलेंगे, ओनली $10 मिलेंगे, ओनली $10 मिलेंगे। समझ गए सर, समझ गए रे सर, मजा ही आ गया, समझ गए, बहुत जबरदस्त बात बता दी आपने आज। अगली बात, रेस्टोरेंट में पहुंचे, याद आया, रेस्टोरेंट में पहुंचे, कुछ ऐसी भाषा में लिखा खाना, तुमने
खाना खाए ठूस ठूस के, लेट लेट के खाया, लेट लेट के, अरे आराम से खाओ भाई, जल्दी काय बात की, आराम से खाओ। खाना खाया, रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड के फ्रंट पे लिखा था, ये लिखा था चाइना में चिंग चौंग चिंग चिंग। तुमने कहा पता ना क्या लिखा भैया, लिखा हो कुछ, तुम खाओ भैया मोमोज खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, है ना, मनचाओ सूप पी रहे हो, है कि नहीं बात, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया चाइनीज सामान खा रहे हो। बिल आया, बिल पे लिखा था आपका बिल आया 2000 रुपये इंटू टू, डबल 4000 दो रे पुष्पा, तुम कह रहे हो बिल 2000 का तो 4000 कहाँ दे दे भैया, जब बिल 2000 का तो 4000 कहाँ दे दे। रेस्टोरेंट वाला कह रहा भैया, रेस्टोरेंट वाला कह रहा है जे लिखी बात और ये बात हाईलाइट है, फ्रंट पे लिखी है, खाओ खाओ मंचूरियन खाओ। ए भैया एक मंचूरियन और लिया, इंटू टू का बिल लगाने के लिए ले लेना, ड्राई खाओगे सर या चावलों के साथ खाओगे, अरे ड्राई लिया सर के लिए। मैं तो कह रहा हूँ भैया, ओ भाई ये क्या क्या चक्कर है, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा होगा, बात कोर्ट तक चलेगी, डबल कैसे हो गया बिल। जज साहब ने पता क्या बोला, जज साहब ने बोला जब एक छोटी मिठाई खरीदने जाते हो एक किलो 300-400 रुपए की मिठाई भी खरीदते हो तो भैया चक्के देख लो, तो चक्के 300-400 की मिठाई भी खरीदते हो चक्के देख लो, तो भैया खिलाइए भैया दूसरी खिलाइए रसगुल्ला वो खिलाइए जरा बर्फी मिठाई खाली सारी क्या करके कल आऊंगा खरीदने, तो खरीदने से पहले चक्के देखते हो, यानी कि तुम चेक करते हो जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसमें लोचा क्या है। यहां तुम्हें फ्रंट पे ऐसी भाषा लिख के दी है और तुम उसके बारे में पूछ नहीं रहे तो हम क्या मानेंगे, यू नो द लैंग्वेज, यानी स्पेशल बात अगर स्पेशल टर्म में लिखी है और तुम उसके बारे में पूछ नहीं रहे तो माना जाएगा कि तुम्हें वो भाषा आती है। ये लिखी बात, आपकी ड्यूटी है पूछना, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंट इन द लैंग्वेज, जो ऑफरर को नहीं पता, जो ऑफरी को नहीं पता, इट इज द ऑफरी ड्यूटी टू आस्क फॉर द ट्रांसलेशन। अगर ऑफरी उसके ट्रांसलेशन को नहीं आस्क करता तो माना जाएगा कि उसे वो भाषा आती है। पूछा कहे नहीं भाई क्या लिखा है, पूछा कहे नहीं क्या लिखा है, तो माना जाएगा तुम्हें भाषा आती है भैया, जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं, कहीं जाओ और स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो किसी और भाषा में लिखी हो तो पूछ लीजिए भैया, तो भैया पूछ लीजिए, पता लगा पूछा ना तो पता लगा लेने के देने पड़ गए। बोलो समझ गए रे, मजा आ गया सर। फिर कहां पहुंचे, फिर पहुंचे होटल, केस हार के डबल बिल देके पहुंचे होटल, ओले 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 ओले, है ना, होटल पहुंचे, ओले होटल, जब भी कोई लड़की ने को मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले, ये वाला गाना गाते हुए होटल पहुंच गए, ओले होटल ओले, ठीक है भैया होटल पहुंच गए आप। होटल का जैसे रूम बुक किया, लॉबी में चले, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, होटल के कमरे में घुसे, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, टीवी का रिमोट उठाया, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, बोतल उठाई, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, चूहा उठाया माउस चूहा, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, चादर उठाई चादर में लिखा, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, वॉशरूम में गए टॉवल में, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, वॉशरूम की दीवार में सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, होटल के पर्दे सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। उन्होंने कहा ओरी दादा ये कहाँ आ गए रे भैया, ओरी दादा हम कहाँ आ गए भैया, कहाँ आ गए भैया, कहाँ आ गए रे, बहुत टेंशन। तुमने कहा टेंशन दूर करते हैं, पता नहीं क्या नाम है, इस होटल का नाम ही होना चाहिए सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। तुम चले गए भैया घूमने फिरने जाओगे तो सामान तो ठेला वगैरह अपना सामान बैग छोड़ के जाओगे ना रूम में, वापिस आए शाम को घूम फिर के, होटल से सामान गायब हो गया भैया, होटल सामान तुम्हारा सामान गायब हो, तुमने केस किया, तुमने कहा भाई साहब मेरा सामान होटल में रखा था, होटल पे केस कर दिया, होटल वाला बहुत होशियार, होटल वाला की कहे वो, होटल वाले ने कहा सर मैंने एक एक चीज स्पेशल बात
स्पेशल बात, चीख चीख के हाईलाइट किए, चीख चीख के हाईलाइट। आपने कहा था स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट करो, आपने कहा था स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट करो, इससे ज्यादा कैसे हाईलाइट करूं, चीख चीख के हाईलाइट किए स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन। कौन जीतेगा? तुमने कहा भैया हाईलाइट तो करिए, पर सामान तो गायब हो गया हमारा, डीएसएलआर कैमरा की बैटरी है उसमें, लैपटॉप का चार्जर है उसमें, लैपटॉप भी है, मेमोरी कार्ड भी रखा था डीएसएलआर वाला, रील कैसे बनेगी मेरी रील, इंस्टा पे पब्लिक वेट कर रही है। कौन जीतेगा? ओले ओले जीतेंगे, बिल्कुल गलत जवाब, नलायको ओले ओले कैसे जीतेंगे, हाँ बाकी बालक सही कह रहे हैं, ओले ओले नहीं जीतेंगे भैया, ये नहीं चौल गए, जैसा ने पता क्या बोला, चिंता मत करो भैया, ए भैया ए गोवा के यात्री चिंता नहीं करने का, जज साहब ने कहा कोई स्पेशल बात है तो उसे पता कब बतानी है, स्पेशल बात बताएं बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल बात बताएं बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। देवू भैया आप मुझे बताओ, आपने फीस भर दी पूरे कोचिंग की, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने के बाद बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कराने पढ़ाने के बाद बोल रहा हूं, आगे के जो एक्ट पढ़ेंगे ना, आगे के एक्ट जब पढ़ोगे तो भैया एक्स्ट्रा 5,000 लगेंगे। स्पेशल बात है, जो मैंने आप पैसे लिए वो तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने के लिए भैया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने के, आगे के जो एक्ट पढ़ोगे ना उसके 5,000 एक्स्ट्रा है, 5,000 एक्स्ट्रा है उसके, दे दोगे? दे दोगे क्या? नहीं दोगे सर? क्यों? आपके कहोगे सर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी फीस इतनी थी, एक्स्ट्रा फीस लेनी है, एक्स्ट्रा बात करनी है, एक्स्ट्रा स्पेशल बात बोलनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले बताते कि कॉन्ट्रैक्ट की इतनी फीस है, बाकी एक्ट की 5,000 है, कॉन्ट्रैक्ट की इतनी फीस है, बाकी एक्ट की 5,000 है, पहले बताते, बाद में बताने का क्या मतलब है, बाद में आप कैसे मंगा सकते हो भाई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद स्पेशल बात कैसे बता सकते हो, होटल वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, होटल वाले कह रहा तुम्हारा सामान खो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अरे होटल वाले सामान गायब कर देंगे, मास्टर की होती है उनके पास, ठीक है ये बात सर, बोलो समझ गए सर, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। और आखिरी केस सर आज का, आखिरी केस देखो सर, ड्राई क्लीनर वाला बहुत पढ़ा लिखा, ड्राई क्लीनर वाला बहुत पढ़ा लिखा, ड्राई क्लीनर वाले ने बोला कि मुझे अपने ड्राई क्लीन के कपड़े दो, अगर मुझसे कपड़े जल गए, मुझसे कपड़े खो गए, ठीक है, तो मैं तुमसे ड्राई क्लीन के पैसे नहीं लूंगा, ऐसी बात लिख दी, ड्राई क्लीन के पर्चे पे लिखी, फ्रंट पे लिखी, चीख चीख के लिखी, है कि नहीं बात। अब एक मुन्नी की शादी थी, श्रुति मुन्नी की, हमारी श्रुति मुन्नी की शादी थी, श्रुति मुन्नी ने कहा लहंगा मनीष मल्होत्रा के यहां से बनवाएंगे, श्रुति मुन्नी ने 10,00,000 का लहंगा बनवाया, मैनू लहंगा गाना गाते हुए, मैनू लहंगा दिला दे मरे जानिया, मर जानिया ने 10,00,000 का लहंगा दिला दिया, मुन्नी ने कहा भैया कोरोना परोना का मामला है, ड्राई क्लीन करा के पहनेंगे, ड्राई क्लीन को दे दिया, है ना, ड्राई क्लीन वाला कह रहा है कि ड्राई क्लीन के बिल, ड्राई क्लीन का बिल था 1,000 रुपए का, ड्राई क्लीन वाला कह रहा है ड्राई क्लीन के बिल का 10 गुना मुझसे, आपका लहंगा खोया है, ड्राई क्लीन के बिल का 10 गुना ले लो, 10,000 रुपए ले लो मुझसे, अबे तो 10,00,000 का लहंगा के तू मुझे 10,000 रुपए दे देगा बस, और खुद लहंगा खोए बैठा जानबूझकर, खुद अपनी शादी में पहनवा लेगा अपनी होने वाली को, ठीक है, तो बताओ क्या ड्राई क्लीन के बिल का 10 गुना कह रहा, ड्राई क्लीन के बिल का 10 गुना पैसा मुझसे ले लेना अगर तुम्हारा ड्राई क्लीन का लहंगा खो गया। मुन्नी श्रुति बताइयो, श्रुति मुन्नी बताइयो, चंचल मुन्नी बता, 10,000 ले लेंगे, पापा कूटे पापा, पापा कह रहे थे यहीं से ले ले चावड़ी बाजार से, अगली बार ला दे 1,00,000 का ले, मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनूंगी 10,00,000 का ले पहन ले, वो पहन रहा ड्राई क्लीन वाला, तो बताओ। देखने वाला कह रहा भैया देखो मैंने बात फ्रंट पे लिखी है, भैया 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 ये मैंने बात फ्रंट पे लिखी है, ये मैंने बात हाईलाइट की है, भैया भैया देखो मैंने पहली कह रहा हूं मैंने हाईलाइट की है, हाईलाइट है भैया हाईलाइट है,
तो बताओ क्या 10% होगा, 10 गुना होगा? नहीं। जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला ए लिली वाइट मुन्नू स्वामी, कहो ना सुनो इधर, अनरीजनेबल था इसलिए वो क्लॉज नहीं लगेगा। क्या होना चाहिए सर? स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी रीजनेबल, 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 रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल। 10 लाख के लहंगे के लिए 10,000 रुपए रीजनेबल नहीं है, इट इज नॉट रीजनेबल। भैया 10,000 रुपया, 10 लाख के लहंगे के लिए 10,000 रुपया रीजनेबल नहीं होता। जज साहब ने कहा भाई, ओ भाई, लिली वाइट को कंपनसेशन भरपूर देना पड़ेगा। अब कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा वो तो कोर्ट बताएगा, कोर्ट ने जितना बोला 8 लाख, 5 लाख, 9 लाख, जो भी है, लेकिन सिर्फ इतना सा पैसा दे देना, ये ई नहीं चौलबे, ई नहीं चौलबे। ठीक है सर, समझ गए सर? सर सीक्रेट कोड क्या था इसका? रूल्स ऑफ ऑफर का सीक्रेट कोड क्या था रे पुष्पा, बोलो? सुकून की न चैन की, हाँ रीजनेबल पैसा तो देना पड़ेगा। लंबी इबादत दीदारे चेहरे की, ये कोड था, उम्मीद है आपको याद आ गया होगा ये सीक्रेट कोड। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? सारे केस लॉ डिसाइड हो गए बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, याद रखेंगे, फार्मास्यूटिकल वाला याद रखना है, हार्वी वर्सेस फेसी याद रखना है, हैरिस वर्सेस निकर्सन याद रखना है, एससी रेलवे याद रखना है, ये चार तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, बोलो समझ गए सर? समझ गए सर? मजा आ गया हो? क्लियर? बहुत बढ़िया, बात कह रहे हैं सर क्लियर, डन डन डन, बहुत बढ़िया गेम खेला, बहुत बढ़िया गेम खेला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनविटेशन टू ऑफर, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, प्राइस बताना, कोटेशन बताना, एड दिखाना ऑक्शन का, मिनिमम प्राइस कोट करना, ये सारे इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। तो फिर आओ मुझको सताओ गाना लगता है, आपको इनवाइट किया जा रहा, आप जाके ऑफर दोगे, सामने वाला रिजेक्ट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, लॉ को अपने खून में डाल लो, इंजेक्शन लो और लॉ को खून में घुसा लो बस। ठीक है, बाय बाय।